कुछ भी कर, अरे इस बार 150 रुपए का हेयर कट कराया इस बार मैंने, पर मैं ना बाल से हूँ सेटिस्फाइड, फुल टू सेटिस्फाइड। पता नहीं नींद क्या चाह रही थी। खैर जैसे भी वेलकम बैक टू चैनल, स्वागत आप लोग आज को लॉन्ग में। भाई मैं उठ तो आधा घंटा पहले गया था, पर तब से फोन कॉल करा जा रहा था, लेके पहले लेके आते दूध, उससे लाल बनाएंगे चाय। बिहल भाई देखो कुछ भी हो जाए, मुझे उठ के चाय की ये खराब हो गई, नहीं ठीक है, दही यूज हो सकती है। मैं कल सोन पापड़ी लाया 60 रुपए की, क्योंकि मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। साली सोन पापड़ी ख़त्म, सोन पापड़ी ख़त्म। अब लाइट तो आ नहीं रही, तो वट इज द बेस्ट थिंग इज दैट वो कहाँ गया। हाँ हम बनाएंगे इस पे चाय। फिलहाल हम हो रहे हैं बोर, एंड भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने केवल चाय पी, ठीक है। मौसम अच्छा होने की कोशिश कर रहा है, पर सूर्य देव तो शायद ऊपर से आ रहे हैं। तब से फोन में लगा हुआ था, चैट्स वगैरह क्लियर कर रहा था, डेटा वगैरह का थोड़ा सा इशू हो रखा था। फिलहाल हम करेंगे एक काम, जब हम होते हैं बोर तो हमें क्या करना चाहिए पता है, या पर इसमें तो कपड़े हैं, हम करेंगे आज अपनी बाइक साफ खुद के हाथों से। यस, इन बॉडी बिल्डिंग हाथों से, इनसे मैं चल जाऊंगा। ओके, कपड़े भी धोने हैं, ये भी याद आ गया। ओह वाओ, इसे भी साफ करवाना है, ये भी याद आ गया। पता नहीं कितने दिनों बाद मैं ऐसे अपनी बाइक को धो रहा हूँ। आज तक मैंने सच बताऊं वैसे अपनी बाइक कभी नहीं धोई खुद, मैं हमेशा तो बाहर धुलवा लेता था यार। पर अगर तुम्हें किसी चीज़ से कनेक्शन और अच्छा गहरा करना है ना, तो भाई जैसे माँ एक बच्चे को अपने हाथों से पालती है पोसती है, तो यू हैव टू डू दिस। तो ये टार्जन मेरा बच्चा है। बाइक की सर्विस मतलब धोने के बाद ना मेरे को लग रही थी बहुत भूख, पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सच बताऊँ खाना बना सकूँ। आज तो मन था मेरा बिरयानी खाने का, पर सच बता रहा हूँ पैसे बचाने की वजह से ना, ताकि ऋषिकेश वाली जो ट्रिप मैं अभी करने वाला हूँ अगले हफ्ते, वो थोड़ा बजट फ्रेंडली ले, मतलब दुख ना हो, क्योंकि यार 2-3 हज़ार का खर्चा था, मैं समझ के चल रहा हूँ। 1000 रुपये का तेल तो कहीं नहीं गया, ठीक है, ऑल दो कम लगता है, बट मैं एक एस्टिमेट 1000 रुपये का तब भी लेके चल रहा हूँ। ऊपर से भाई रहना खाना भी ना बेशक मैं धर्मशाला में करूँगा, बट जो वहाँ पर थोड़ा बहुत और नॉर्मल होगा ना घूमना फिरना, तो वो भी है ना। तो मैंने चुद्दम से बोला भाई खाने का करवा दे यार, वो कहता रात को इन लोगों ने चावल बनाए थे 3 बजे, वो ले ले। मैंने कहा चलो वही दे दे भाई। फिलहाल मैंने कर लिया नाश्ता, अब खाना मतलब नाश्ता ही मान लो यार, ब्रंच लंच जो भी है खाना खा लिया तुम्हारे भाई ने। अब सुनो एक बहुत ही बढ़िया बात, बढ़िया बात बोले तो क्या, बढ़िया बात बोले तो ये कि मैं जस्ट सोने ही लगा था थोड़ी देर की, मैंने कहा चलो 1 घंटे की ना फोन मार लेते हैं, फिर उठ के काम करेंगे। पर तभी आता है हमारे मित्र का फोन, और मित्र कौन, एक ही मित्र जैसे मुझे मैं बताता हूँ 2 सेकंड अपना। हमारे पास आता है हमारे मित्र का फोन, मित्र फोन सही होता है, एक ही मित्र, ठीक है, मानवी गुप्ता। मानवी गुप्ता देना चाह रही थी हमें सरप्राइज, और सरप्राइज देने के चक्कर में उसका कट गया पोपट, और पोपट कटा है बहुत गंदा, गंदा पोपट का मतलब है गंदा। वो बैठ गई गलत ट्रेन में, जिसकी वजह से अब वो केवल सहारनपुर तक आ जाएगी। मैंने कहा तू 7 बजे कहाँ बस वगैरह ढूंढनी है, तो हम तेरे को लेने आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ टार्जन को फ्यूल अप करवाने के लिए, आज ही धोई थी, सोचा था अब ऋषिकेश जाने तक नहीं निकालूंगा, बट तेरा टार्जन का भी कहाँ से लीविंग। भाई हेलमेट तो दोनों लेके जाने पड़ेंगे, देखो रूल आखिरकार रूल ही होता है, तो उसके लिए हेलमेट जो है वो भी लेके जाना पड़ेगा, एंड खुद के लिए भी रख लिया। फिलहाल रेडी हो चुका हूँ, ये पहन के जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बस फेस वॉश ये लगा लेते हैं, क्या कहते हैं मॉइस्चराइजर, तो लगाते हैं। कैसे लगाऊं, व्लॉगिंग करते हुए कैसे लग सकते हैं, फिलहाल ट्राई करते हैं। वाह ज्यादा लगा लिया ना, लग रहा हूँ ना हॉट, एक यहाँ भी लग गया, तो यहाँ पे वाइट वाइट गिरता कुछ अजीब नहीं लगता। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर ये जो भी है ना बहुत बड़ी बकचोदी है यहाँ पे भाई, मैं हकीकत बता रहा हूँ, पूरा जाम है, फट गया पूरा जाम है लिटरली।
यार जो भी है ना मेरे को नहीं पता सच में क्या है, तो जो भी है भाई बहुत खराब है। अरे कौन वोट मांगने जा रहा है भाई, वो पार्टी जीती है क्या? जो भी है भाई, पर ये गलत है, मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि तुम पूरा एरिया ही ब्लॉक करके चलो। सरप्राइज देने वाली थी ठीक है ना, और इसका सरप्राइज ये था कि मैं इसे सहारनपुर पिक करने आऊंगा। ऐसा सरप्राइज प्लान कैसे किया? ये बिना बताए आने वाली थी, बट ठीक है, गलत ट्रेन में बैठ गई। वो तो मैं और माते डिस्कस कर रहे थे, वो अच्छी बात है सहारनपुर वाली साइड बैठी है, बैठ जाती बनारस वगैरह कहीं और आगरा उतर रही है। हो सकता चल, बहुत जाम है भाई, हर जगह इतना जाम। फाइनली कुछ खा लेते हैं, इसके बाद जाके और खाएंगे। अरे हाँ तो डम है, आज तो मेरा चिकन खाने का मन कर रहा है। नहीं क्यों? क्यों अरे अपने ढाबे पे क्यों खाएंगे यार, रोटी और राजमा। रोटी रोटी और राजमा। अच्छा चिप्स खा रही थी भैया का, इसका ले जाने का टाइम हो गया, चिप्स ऐसे कैसे साइड में रख दिए, खा ली का चिप्स, चाटे जा रही थी तो ले जाओ भैया। भैया खुद ने तो भरी थी, बुड्ढी मार के बैठा, बाद में कर लेते, टिश्यू नहीं था ना, बड़ी मम्मी सिखाती थी मेरे को टिश्यू में, बड़ी मम्मी सिखाती थी मेरे को सॉफ्ट टिश्यू में कैसे पैक करनी है। हमने बॉट करी है,